हेलो फ्रेंड्स, आज हम सेल राहुल केला स्टील प्लांट अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी फिटर एग्जाम 2019 के लिए वेल्डिंग चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 51, ईंधन गैस का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए, ईंधन गैस का उदाहरण ऑक्सीजन नहीं है, करेक्ट। ईंधन गैस का उदाहरण एसिटिलीन है, करेक्ट। ईंधन गैस का उदाहरण कोल गैस है, करेक्ट। ईंधन गैस का उदाहरण हाइड्रोजन है, करेक्ट। आंसर है ऑप्शन ए, ईंधन गैस का उदाहरण ऑक्सीजन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 52, निम्न में से कौन सा ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम का तापक्रम रेंज है। आंसर ऑप्शन बी 3100 से 3300 डिग्री सेल्सियस। निम्न में से 3100 से 3300 डिग्री सेल्सियस ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम का तापक्रम रेंज है। क्वेश्चन नंबर 53, निम्न में से कौन सी गैस कैल्शियम कार्बाइड एवं जल की रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा बनती है। आंसर ऑप्शन डी एसिटिलीन। निम्न में से एसिटिलीन गैस कैल्शियम कार्बाइड एवं जल की रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा बनती है। क्वेश्चन नंबर 54, नोजल का साइज निम्न में से किस पर निर्धारित नहीं होता है। ऑप्शन ए, नोजल का साइज निम्न में से धातु की मोटाई पर निर्धारित होता है, करेक्ट। नोजल का साइज निम्न में से धातु के द्रव्यमान पर निर्धारित होता है, करेक्ट। नोजल का साइज निम्न में से धातु के तापमान पर निर्धारित नहीं होता, करेक्ट। नोजल का साइज निम्न में से धातु के आकार पर निर्धारित होता है, करेक्ट। आंसर है ऑप्शन सी, नोजल का साइज निम्न में से धातु के तापमान पर निर्धारित नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 55, फिलर रॉड का साइज निम्न में से किस पर आधारित नहीं होता है। ऑप्शन ए, फिलर रॉड का साइज निम्न में से वेट की जाने वाली धातु के भार पर आधारित नहीं होता है, करेक्ट। फिलर रॉड का साइज निम्न में से वेल्ड की जाने वाली धातु के प्रकार पर आधारित होता है, करेक्ट। फिलर रॉड का साइज निम्न में से जोड़ की प्रकृति पर आधारित होता है, करेक्ट। फिलर रॉड का साइज निम्न में से वेल्डिंग तकनीक के प्रकार पर आधारित होता है, करेक्ट। आंसर है ऑप्शन ए, फिलर रॉड का साइज निम्न में से वेल्ड की जाने वाली धातु के भार पर आधारित नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 56, निम्न में से क्या होने पर फ्लैशबैक का पता चलता है। आंसर ऑप्शन बी, नोजल से काला धुआं तथा आवाज आती है। निम्न में से नोजल से काला धुआं तथा आवाज होने पर फ्लैशबैक का पता चलता है। क्वेश्चन नंबर 57, बैक फायर का कारण निम्न में से कौन नहीं है। बैक फायर का कारण निम्न में से नोजल ओवरहीट हो जाना है, करेक्ट। बैक फायर का कारण निम्न में से नोजल में कार्बन जमा हो जाना है, करेक्ट। बैक फायर का कारण निम्न में से सही साइज का नोजल ना होना नहीं है, करेक्ट। बैक फायर का कारण निम्न में से नोजल का वेल्ड पूल से संपर्क हो जाना है, करेक्ट। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बैक फायर का कारण निम्न में से सही साइज का नोजल ना होना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 58, धातुओं का पूर्वतापन करने के लिए किस ज्वाला का प्रयोग किया जाता है। आंसर ऑप्शन डी न्यूट्रल फ्लेम। धातुओं का पूर्वतापन करने के लिए न्यूट्रल फ्लेम का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 59, निम्न में से किस प्रकार की विधि का प्रयोग करके दो अलग अलग प्रकार की धातुओं को जोड़ सकते हैं। आंसर ऑप्शन ए ब्रेजिंग। निम्न में से ब्रेजिंग विधि का प्रयोग करके दो अलग अलग प्रकार की धातुओं को जोड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, वेल्डिंग करने के लिए वेल्डिंग रॉड तथा वेल्ड रेखा के बीच उचित कोण होता है। आंसर ऑप्शन सी 60 डिग्री से 70 डिग्री। वेल्डिंग करने के लिए वेल्डिंग रॉड तथा वेल्ड रेखा के बीच उचित कोण 60 से 70 डिग्री होता है। क्वेश्चन नंबर 61, निम्न में से किस कारण से बट जोड़ में नीचे कुछ खुला स्थान छोड़ जाता है। आंसर ऑप्शन सी पूर्ण पेनिट्रेशन प्राप्त करने के लिए। निम्न में से पूर्ण पेनिट्रेशन प्राप्त करने के कारण से बट जोड़ में नीचे कुछ खुला स्थान छोड़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 62, निम्न में से किस तापमान पर सॉफ्ट सोल्डरिंग की जाती है। आंसर ऑप्शन ए 350 डिग्री सेल्सियस से कम पर।
निम्न में से 350 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर सॉफ्ट सोल्डरिंग की जाती है। क्वेश्चन नंबर 63, निम्न में से किस ताप पर चूना पत्थर तथा कोक को गर्म करके कैल्शियम कार्बाइड बनाया जाता है? आंसर ऑप्शन डी 2000 डिग्री सेल्सियस। निम्न में से 2000 डिग्री सेल्सियस ताप पर चूना पत्थर तथा कोक को गर्म करके कैल्शियम कार्बाइड बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 64, कार्बोराइजिंग फ्लेम में मुख्यतः होता है? आंसर ऑप्शन बी 0.9 O2 अनुपात 1C2H2 एसिटिलीन। कार्बोराइजिंग फ्लेम में मुख्यतः 0.9 ऑक्सीजन अनुपात 1 एसिटिलीन होता है। क्वेश्चन नंबर 65, एसिटिलीन गैस का रासायनिक सूत्र है? आंसर ऑप्शन बी C2H2। एसिटिलीन गैस का रासायनिक सूत्र C2H2 है। क्वेश्चन नंबर 66, निम्न में से टेम्पररी जॉइंट का उदाहरण है? आंसर ऑप्शन बी रिवेटिंग जॉइंट। निम्न में से टेम्पररी जॉइंट का उदाहरण रिवेटिंग जॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 67, निम्न में से किस पोजीशन में वेल्डिंग करना सबसे आसान होता है? आंसर ऑप्शन ए सपाट प्लेट। निम्न में से सपाट प्लेट पोजीशन में वेल्डिंग करना सबसे आसान होता है। क्वेश्चन नंबर 68, बिजली के झटके से पीड़ित व्यक्ति को क्या करना चाहिए? आंसर ऑप्शन डी उसे गर्म रखने के लिए ढकना चाहिए। बिजली के झटके से पीड़ित व्यक्ति को गर्म रखने के लिए ढकना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 69, निम्न में से किस फायर एक्सटिंग्यूशर का प्रयोग वेल्डिंग में किया जाता है? आंसर ऑप्शन सी CO2 एक्सटिंग्यूशर। निम्न में से CO2 फायर एक्सटिंग्यूशर का प्रयोग वेल्डिंग में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 70, निम्न में से किस आर्क का प्रयोग इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में किया जाता है? आंसर ऑप्शन सी लो वोल्टेज हाई करंट डिस्चार्ज। निम्न में से लो वोल्टेज हाई करंट डिस्चार्ज आर्क का प्रयोग इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 71, आर्क वेल्डिंग में प्रयोग किया जाने वाला ट्रांसफार्मर है? आंसर ऑप्शन ए स्टेप डाउन। आर्क वेल्डिंग में प्रयोग किया जाने वाला ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। क्वेश्चन नंबर 72, निम्न में से किस मशीन का प्रयोग डीसी वेल्डिंग सप्लाई के एसी वेल्डिंग सप्लाई में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? आंसर ऑप्शन सी इन्वर्टर। निम्न में से इन्वर्टर मशीन का प्रयोग डीसी वेल्डिंग सप्लाई के एसी वेल्डिंग सप्लाई में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 73, निम्न में से कहां से इलेक्ट्रोड का साइज व्यक्त किया जाता है? आंसर ऑप्शन ए उसकी कोर वायर के व्यास से। निम्न में से उसकी कोर वायर के व्यास से इलेक्ट्रोड का साइज व्यक्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 74, निम्न में से इलेक्ट्रोड कोटिंग का एक उद्देश्य? आंसर ऑप्शन बी आर्क को स्थिर करना। निम्न में से आर्क को स्थिर करना इलेक्ट्रोड कोटिंग का एक उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 75, निम्न में से किन दो लंबाइयों में इलेक्ट्रोड का उत्पादन किया जाता है? आंसर ऑप्शन बी 300 मिलीमीटर और 450 मिलीमीटर। निम्न में से 300 मिलीमीटर और 450 मिलीमीटर दो लंबाइयों में इलेक्ट्रोड का उत्पादन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 76, एसिटिलीन तथा ऑक्सीजन होसिस का सही रंग क्या होता है? आंसर ऑप्शन सी ऑक्सीजन के लिए काला और एसिटिलीन के लिए मेरून। एसिटिलीन तथा ऑक्सीजन होसिस का सही रंग ऑक्सीजन के लिए काला और एसिटिलीन के लिए मेरून होता है। क्वेश्चन नंबर 77, एसिटिलीन सिलेंडर में निम्न में से किस में एसिटिलीन डिजॉल्व की जाती है? आंसर ऑप्शन सी एसीटोन। एसिटिलीन सिलेंडर में निम्न में से
एसीटोन में एसिटिलीन डिजॉल्व की जाती है। क्वेश्चन नंबर 78, कटिंग बिलो पाइप के टिप में सेंटर होल का कार्य है। आंसर ऑप्शन सी, कटिंग के लिए ऑक्सीजन सप्लाई करना। कटिंग बिलो पाइप के टिप में सेंटर होल का कार्य कटिंग के लिए ऑक्सीजन सप्लाई करना है। क्वेश्चन नंबर 79, निम्न में से किस दो तत्वों की उपस्थिति के कारण कास्ट आयरन को गैस कटिंग द्वारा काटना मुश्किल होता है। आंसर ऑप्शन बी, सिलिकन और ग्रेफाइट। निम्न में से सिलिकन और ग्रेफाइट दो तत्वों की उपस्थिति के कारण कास्ट आयरन को गैस कटिंग द्वारा काटना मुश्किल होता है। क्वेश्चन नंबर 80, निम्न में से किसका प्रयोग करके गहरे पानी के नीचे कटिंग करते। आंसर ऑप्शन बी, हाइड्रोजन। निम्न में से हाइड्रोजन गैस का प्रयोग करके गहरे पानी के नीचे कटिंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, गैस कटिंग करते समय नोजल को कहाँ रखना चाहिए। आंसर ऑप्शन डी, कार्य से 5 मिलीमीटर दूर रखना चाहिए। गैस कटिंग करते समय नोजल को कार्य से 5 मिलीमीटर दूर रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 82, गैस कटिंग में निम्न में से किस कारण से टॉप एज पिघल कर गोल हो जाता तथा काटा गया फेस स्मूथ नहीं होता है। आंसर ऑप्शन डी, बहुत अधिक कटिंग ऑक्सीजन प्रेशर। गैस कटिंग में निम्न में से बहुत अधिक कटिंग ऑक्सीजन प्रेशर के कारण से टॉप एज पिघल कर गोल हो जाता है तथा काटा गया फेस स्मूथ नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 83, निम्न में से किस कारण से गैस द्वारा काटी गई प्लेट के कट में ग्रूव्स तथा खींची हुई लाइनें दिखाई देती है। आंसर ऑप्शन ए, टिप का कट सरफेस के नज़दीक होना। निम्न में से टिप का कट सरफेस के नज़दीक होना कारण से गैस द्वारा काटी गई प्लेट के कट में ग्रूव्स तथा खींची हुई लाइनें दिखाई देती है। क्वेश्चन नंबर 84, निम्न में से किस कारण से हाई क्वालिटी कट में वर्टिकल खींची गई लाइनें के कारण कुछ सरफेस रफनेस होता है। आंसर ऑप्शन सी, बहुत कम कटिंग स्पीड। निम्न में से बहुत कम कटिंग स्पीड के कारण से हाई क्वालिटी कट में वर्टिकल खींची गई लाइनें के कारण कुछ सरफेस रफनेस होता है। क्वेश्चन नंबर 85, ऑक्सी एसिटिलीन कटिंग प्रोसेस में प्रयोग होने वाले कटिंग नोजल का साइज निम्न में से किस पर निर्भर करता है। आंसर ऑप्शन ए, काटी जाने वाली धातु की थिकनेस। ऑक्सी एसिटिलीन कटिंग प्रोसेस में प्रयोग होने वाले कटिंग नोजल का साइज निम्न में से काटी जाने वाली धातु की थिकनेस पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 86, पानी में नीचे की जाने वाली वेल्डिंग को कौन सी वेल्डिंग कहते हैं। आंसर ऑप्शन सी, हाइड्रोजन वेल्डिंग। पानी में नीचे की जाने वाली वेल्डिंग को हाइड्रोजन वेल्डिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 87, विद्युत विधि में निम्नलिखित में किस से ताप उत्पन्न किया जाता है। आंसर ऑप्शन बी, रेजिस्टेंस। विद्युत विधि में निम्नलिखित में रेजिस्टेंस से ताप उत्पन्न किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में किस वेल्डिंग में फिलर धातु की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आंसर ऑप्शन ए, रेजिस्टेंस वेल्डिंग। निम्नलिखित में रेजिस्टेंस वेल्डिंग में फिलर धातु की आवश्यकता नहीं पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 89, यदि ऑक्सी एसिटिलीन असेंबली के चूड़ीदार भाग पर तेल या ग्रीस लगा दी जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा। आंसर ऑप्शन बी, इसके लगाने से विस्फोट हो सकता है। यदि ऑक्सी एसिटिलीन असेंबली के चूड़ीदार भाग पर तेल या ग्रीस लगा दी जाए तो इसके लगाने से विस्फोट हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में ऑक्सीजन एक गैस है। आंसर ऑप्शन सी, सक्रिय। निम्नलिखित में ऑक्सीजन एक सक्रिय गैस है। क्वेश्चन नंबर 91, वेल्डिंग के लिए ऑर्गन में कितना प्रतिशत तक ऑक्सीजन मिलाई जाती है। आंसर ऑप्शन सी, 10 से 20%। वेल्डिंग के लिए ऑर्गन में 10 से 20% तक ऑक्सीजन मिलाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित में किससे एसिटिलीन गैस तैयार की जाती है। ऑप्शन ए, निम्नलिखित में कैल्शियम कार्बाइड से एसिटिलीन गैस तैयार की जाती है। करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 93, एसिटिलीन में कौन से तत्व होते हैं। ऑप्शन ए, एसिटिलीन में कार्बन तत्व होता है। करेक्ट। एसिटिलीन में
हाइड्रोजन तत्व होता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ए एवं बी दोनों ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 94, गैस कटिंग किस प्रकार की क्रिया है। आंसर ऑप्शन ए भौतिक, गैस कटिंग भौतिक प्रकार की क्रिया है। क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में कौन ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम है। आंसर ऑप्शन डी उपयुक्त तीनों। निम्नलिखित में न्यूट्रल फ्लेम, कार्बोराइजिंग फ्लेम, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, उपयुक्त तीनों ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम है। क्वेश्चन नंबर 96, रॉट आयरन की वेल्डिंग करते समय फ्लक्स का प्रयोग। आंसर ऑप्शन बी आवश्यक नहीं है, रॉट आयरन की वेल्डिंग करते समय फ्लक्स का प्रयोग आवश्यक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 97, राइट फर्ट वेल्डिंग को निम्नलिखित में किस नाम से पुकारा जाता है। आंसर ऑप्शन बी बैक हैंड वेल्डिंग। राइट फर्ट वेल्डिंग को निम्नलिखित में बैक हैंड वेल्डिंग के नाम से पुकारा जाता है। क्वेश्चन नंबर 98, स्टेनलेस स्टील में कौन सी फ्लेम उपयोग में लाई जाती है। आंसर ऑप्शन ए न्यूट्रल फ्लेम, स्टेनलेस स्टील में न्यूट्रल फ्लेम उपयोग में आती है। क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में कौन सी वेल्डिंग धीमी गति से होती है। आंसर ऑप्शन ए लेफ्टवर्ड वेल्डिंग, निम्नलिखित में लेफ्टवर्ड वेल्डिंग धीमी गति से होती है। क्वेश्चन नंबर 100, स्पॉट वेल्डिंग में दो स्पॉट के बीच की न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। आंसर ऑप्शन बी 3D से अधिक, स्पॉट वेल्डिंग में दो स्पॉट के बीच की न्यूनतम दूरी 3D से अधिक होनी चाहिए। फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए।